ओके सो हमने अभी डिस्कस किया कॉन्वेक्स लेंस को, फिर हमने ये देखा कि एक कॉन्वेक्स लेंस की रफली एक फोकल लेंथ आप कैसे फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट, जो कि आप कॉमनली कर सकते हैं। ओके नाउ हमने दो तरह के लेंस डिस्कस किए थे, एक था कॉन्वेक्स लेंस, एक था कॉन्केव लेंस। तो अभी हमने जिसका डिस्कशन किया है, इमेज फॉर्मेशन की है, वो क्या था? वो एक कॉन्वेक्स लेंस था। नाउ वी विल मूव फर्दर एंड वी विल ट्राई टू डिस्कस द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस किस तरह से इमेज फॉर्म करता है, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहले जैसा हमने कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी रूल्स पढ़े थे कि एक इमेज फॉर्म करने के लिए क्या रूल्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह के रूल्स हम कॉन्केव लेंस के केस में भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रूल इज, रूल वन इज, अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस आफ्टर डिफ्रैक्शन। एक लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आ रही है, वो इस तरह से अपियर होगी कि रिफ्रैक्शन के बाद इट इज पासिंग फ्रॉम फोकस। सो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ दिस, लेट अस ट्राई टू स्केच दिस। सो दिस इज द कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। इस कॉन्केव लेंस में हम ये मानेंगे कि अगर एक लाइट रे इस तरह से पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस आके इस लेंस को स्ट्राइक करती है, तो हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्केव लेंस में कॉन्वर्जन होता है कि डाइवर्जन होता है। सो वी हैव स्टडीड कि कॉन्केव लेंस में हमेशा डाइवर्जन होता है, डाइवर्जेंस, डाइवर्जिंग लेंस इसे हम बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज लाइट रे टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाती हैं, किसी अलग ही डायरेक्शन में चली जाती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर की तरफ हो जाती हैं। लेकिन हमने लिखा है अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल अपीयर टू पास फ्रॉम द फोकस। इट मीन्स जब ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद इट विल मूव समथिंग लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन। एंड यू विल फाइंड कि अगर हम इसे ट्रेस बैक करें तो ये हमें सेकेंड प्रिंसिपल फोकस से आती हुई दिखाई देगी। अगर हम इसे ट्रेस बैक करेंगे तो ये हमें सेकेंड प्रिंसिपल फोकस से आती हुई दिखाई देगी। एंड वी विल से कि जो रे ऑफ लाइट है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम, अपीयर टू बी पास फ्रॉम फोकस, दैट इज सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। इट मीन्स ये जो लाइट रे आ रही है, इसे ट्रेस बैक करने पे पीछे की तरफ हमें दिखेगा कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक लाइट रे के लिए कुछ सोर्स रखा हुआ है जिससे ये लाइट रे इस तरफ आ रही है। ओके देन सेकेंड रूल,
second rule says a light ray which is incident on pole of lens will pass undeviated after रिफ्रैक्शन. सो सेकेंड रूल सेज कि अगर एक लाइट रे पोल पे आके इंसिडेंट होती है तो पोल पे इंसिडेंट से हमने देखा था कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस में क्या फर्क पड़ा था. कॉन्वेक्स लेंस में वो लाइट रे बिल्कुल एज इट इज पास हो गई थी विदाउट एनी डेविएशन. तो एग्जैक्टली यहां पे भी कुछ इसी तरह का केस हमें देखने को मिलेगा दैट अगर एक लाइट रे कुछ इस तरह से आके इस पोल पे स्ट्राइक करती है तो इट विल पास अनडेविएटेड. हमें दिखाई देगा कि ये बिल्कुल एज इट इज अपने पाथ को फॉलो करते हुए वापस निकल जाती है. सो यहां पे रिफ्रैक्शन जरूर होगा लेकिन रिफ्रैक्शन होने के बावजूद भी ये लाइट रे अपने पाथ को ही ट्रेस करती हुई निकल जाएगी. एंड वी विल से कि पोल से अगर कोई लाइट रे पास होती है तो वहां पे कोई रिफ्रैक्शन हमें दिखाई नहीं देगा. लाइट रे विल गो एज इट इज. ओके सो ऐसा केस हमने कॉन्वेक्स में भी देखा था. इट मीन्स कॉन्वेक्स या हो या कॉन्केव हो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो पोल से पास होने वाली लाइट रे हमेशा अनडेविएटेड ही पास होगी. हमने सिर्फ अंतर देखा. तो जब मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूं तो कॉन्वेक्स लेंस में लाइट रे एक्चुअल में फोकस पे मीट करती है लेकिन इस केस में कॉन्केव के केस में क्या हो रहा है लाइट रे एक्चुअल में मीट नहीं कर रही. लाइट रे टकरा के रिफ्रैक्ट हो रही है किसी अलग डायरेक्शन में लेकिन उसको ट्रेस बैक करें तो वो फोकस पे मीट कर रही है. मींस यहाँ पे वर्चुअली फोकस पे मीट करती है. एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्चुअल में लाइट रे वैसा पास होती है जैसा कि कॉन्वेक्स के केस में हुआ था. देन थर्ड केस ray of light appearing to meet at focus will become parallel after refraction. So what the third rule says? Third rule says कि एक light ray जो कि appear हो रही है focus पे meet करने के लिए लेकिन refraction के बाद वो parallel हो जाती है. किस तरह से होता है इसे देखते हैं. अगर इस तरह का हम एक कॉनकेव लेंस माने तो यू विल फाइंड कि अगर एक लाइट रे कुछ इस तरह से मिरर पे आ रही है और यहां पे आके कुछ स्ट्राइक करती है इस तरह से जो कि पास होने वाली थी इस फोकस पॉइंट से इस फोकल लेंस इस फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से F1 से. ये लाइट रे का जो डायरेक्शन था ये कुछ इस तरह से था कि अगर ये लेंस बीच में ना होता तो ये फोकस से पास हो जाती बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट जाके फोकस से पास हो जाती. लेकिन इस वक्त ये लेंस बीच में रखा है तो इट मींस यहां पे क्या होगा लेंस से टकराने से रिफ्रैक्शन होगा. अब ये कॉनकेव लेंस है इट मींस यहां पे डाइवर्जेंस होगा. तो जब ये लाइट रे ऐसी जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है इट विल गो समथिंग लाइक दिस. ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठेगी क्या इतना उठेगी या थोड़ा और उठेगी या ऊपर की तरफ ही चली जाएगी. सो यू विल फाइंड कि ये लाइट रे
इस पॉइंट पे या इस लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलली मूव करने लगेगी और फाइनली ये कुछ इस तरह से आगे की तरफ चली जाएगी। सो दीज थ्री रूल्स अगेन आर बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है चीज जो कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं कर रहा हो। जैसा कि हमने पहले सीखा, हमेशा अगर रिफ्रैक्शन होगा तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो होंगे ही होंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लाइट रे टकरा के डाइवर्ज हुई। हमने डाइवर्जेंस किस तरह से होता है एक कॉन्केव लेंस में, उस बारे में डिस्कस किया था पहले। डाइवर्जेंस को बहुत बारीकी से हमने सीखा था कि डाइवर्जेंस किस तरह से होता है, रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, और सेम विद द कॉन्वेक्स लेंस ऑल्सो। कॉन्वेक्स लेंस में भी हमने इस चीज़ को सीखा था। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट रूल्स जिसके बेसिस पे हम कंक्लूड करेंगे कि एक इमेज किस तरह से फॉर्म होती है। सो यू कैन नोट दिस। ओके, सो नाउ हम सीखेंगे कि कॉन्केव लेंस में जो रूल्स हमने अभी डिस्कस किए हैं, उस रूल्स के बेसिस पे इमेज किस तरह से फॉर्म होती है। सो वेरी फर्स्ट केस हम मानेंगे। वेरी फर्स्ट केस हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे रखते हैं और धीरे धीरे क्लोज लाते जाते हैं। सो वेरी फर्स्ट केस में हम मानेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा है, एट इन्फिनिटी। तो केस वन इज ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। सो लेट अस कंसिडर दिस। ऐसा कॉन्केव लेंस, इस लेंस का दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस और लेट अस से दिस इज F2, सेकेंड फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, दिस इज F2। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, इट मीन्स वहां से लाइट रेज जो आ रही है वो किस तरह की है, दोज लाइट रेज आर पैरेलल। वो लाइट रेज पैरेलल है, इट मीन्स ये कुछ इस तरह से आके यहाँ पे स्ट्राइक करेंगी, ये लाइट रे इस तरह से आके स्ट्राइक करेगी। देन सेकेंड लाइट रे विल अगेन कम समथिंग लाइक दिस, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस एंड स्ट्राइक हियर, अगेन पैरेलली स्ट्राइक होगा। नाउ जो दो लाइट रेस पैरेलली इस लेंस को स्ट्राइक कर रही हैं, वो किस तरफ मूव करेंगी, क्या वो ऐसी जाएंगी? नो, ऐसी नहीं जाएंगी। देन दे विल गो लाइक दिस, वो इस तरह से डाइवर्ज होंगी बिकॉज दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, हमने पहले सीखा था। तो अगर ये डाइवर्जिंग लेंस है तो लाइट रेस कुछ इस तरफ मूव होनी चाहिए, लेकिन इस तरफ मूव होगी तो किस डायरेक्शन में, ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, ऐसी या कैसी? तो जैसी भी जाएगी, यू विल फाइंड कि लाइट रे जब डाइवर्ज होंगी तो अगर हम उन्हें बैक ट्रैक करेंगे, यू विल फाइंड कि वो फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी। सेम विद दिस लाइट रे ऑल्सो, ये लाइट रे इस तरह से आके ऐसी मूव होगी एंड दिस लाइट रे विल गो लाइक दिस। बट व्हेन यू ट्रेस बैक दीज टू लाइट रेस, जब इसको आप बैक ट्रैक करेंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे, सो यू विल फाइंड कि ये इस पॉइंट पे मीट होती हुई दिखाई देंगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों लाइट रेज जो ऐसी डाइवर्ज हुई हैं, ये किसी इस पॉइंट से ट्रेवल करके आ रही है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है उसकी एक इमेज फॉर्म होगी। तो ये इमेज किस तरह की होगी, क्या हम इसका नेचर बता सकते हैं कि इमेज किस तरह की होगी? हम देख सकते हैं कि ये इमेज बनी कैसे है। ये इमेज बनी है लाइट की रेस को बैक ट्रैक करने से, उन्हें ट्रेस बैक करने से बनी है। सो इट मींस दिस इमेज इज अ वर्चुअल इमेज। ये इमेज एक वर्चुअल इमेज है। इट मींस अगर मैं ऐसा कॉन्केव लेंस ऐसा हाथ में लेके खड़ा हूं और उसको सन की तरफ डायरेक्ट करूं, तो क्या होगा? सन की लाइट रेस पैरेलली आके इस मिरर पे, इस लेंस पे स्ट्राइक करेंगी। तो इस लेंस पे अगर पैरेलली आके सन की रेस स्ट्राइक करेंगी, तो हमें क्या लगेगा कि स्ट्राइक करने से हम अगर एक स्क्रीन लगा दें तो स्क्रीन पे हमें इमेज दिखाई देगी।
बट यू विल फाइंड ऐसा कभी नहीं होगा। आपको किसी भी स्क्रीन पे कोई इमेज दिखाई नहीं देगी बिकॉज दिस इमेज इज अ वर्चुअल इमेज। सो वर्चुअल होने के साथ साथ हम देख सकते हैं कि लाइट रेज एक पॉइंट पे आके मीट हो रही है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इमेज फॉर्म हो रही है दैट इज हाईली डिमिनिश्ड। जो इमेज हमें बनती दिखाई दे रही है वो बहुत ही छोटी है, वो डिमिनिश्ड इमेज है। ओके, डिमिनिश्ड है, वर्चुअल है। अब हमने देखा था कि वर्चुअल अगर इमेज है तो वो इरेक्ट तो होगी ही, वो इमेज में इरेक्ट तो होना ही है, तो इट मींस दैट इमेज इज इरेक्ट ऑल्सो। सो इट मींस जब ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी पे रखा है तो उस ऑब्जेक्ट का साइज कैसा भी हो, कैसा भी साइज हो, छोटा हो या बड़ा हो, दैट इमेज विल लुक लाइक अ पॉइंट। एक छोटा सा पॉइंट दिखेगा मतलब बहुत डिमिनिश्ड होगा, और इन्फेनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो लाइट रेज भी पैरेलली आके स्ट्राइक करेंगी, और पैरेलल लाइट रेज जब इस लेंस को स्ट्राइक करती है तो हमने रूल वन में पढ़ा था कि जो लाइट रे पैरेलली स्ट्राइक करती है दैट अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस। सो ये लाइट रेज जब ऐसा होंगी तो वी विल ट्रेस बैक एंड वी विल फाइंड कि ये फोकस से पास होती हुई दिखाई दे रही है। सो फाइनली इमेज एक इन्फाइनाइट ऑब्जेक्ट की बनेगी फोकस पे। सो फोर्थ नेचर वी कैन से इमेज एट F2। यू विल फाइंड कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो एग्जैक्टली F2 के ऊपर फॉर्म होती है। सो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को आपने इस वक्त इन्फिनिटी पे रखा, तो इन्फिनिटी पे रखने से जो इमेज फॉर्म हुई वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसी इमेज फॉर्म हुई। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से पहले रखें, पहले मीन्स कहीं पे भी, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, तो वी विल से कि सेकेंड केस जो होगा केस टू विल बी समथिंग, आई विल से ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट विल बी बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, तो पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में हम कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। सो लेट अस से this is the principal axis, let us mark focus, this is first focus, this is second focus। हमने ये पढ़ा था कि focus जो होते हैं concave lens में वो focus opposite हो जाते हैं, F1 focus उस तरफ होता है, F2 focus इस तरफ होता है। Now let us say कि object आपका कहीं यहाँ रखा हुआ है, दिस इज AB, तो AB जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज अगर हमें बनानी है तो कैसे बनाएंगे, अगेन यूजिंग द रूल्स। सबसे पहले फर्स्ट रूल को यूज करते हैं। फर्स्ट रूल सेज कि लाइट रे अगर पैरेलली इस लेंस को स्ट्राइक करती है तो इट विल अपीयर कि ये फोकस से पास हो रही है। कुछ इस तरह से इट विल अपीयर कि ये फोकस से पास हो रही है, बैक ट्रैक करेंगे तो। देन सेकेंड रूल हम अप्लाई कर सकते हैं कि जो लाइट रे इसके पोल से पास होगी, पोल से जो लाइट रे पास होगी दैट लाइट विल गो अनडेविएटेड। इट मींस पोल से पास होने वाली लाइट रे कुछ इस तरह से मूव करेगी, समथिंग लाइक दिस। एंड फाइनली यू विल फाइंड कि जो इमेज फॉर्म हो रही है दैट इमेज विल बी
that image will be somewhere here. If this is AB, then this is A dash B dash. यहाँ पे आपको एक इमेज फॉर्म होती दिखाई देगी. क्या ये इमेज बड़ी है, क्या ये इमेज छोटी है, या ये इमेज सेम साइज की है? सोचते हैं. हम देख सकते हैं कि जो इमेज फॉर्म हो रही है, जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इस ए बी लेंथ, ए बी लेंथ किस तरह की है? ए बी लेंथ इज पैरेलल लाइक दिस, ये पूरी लेंथ एक जैसी है, लेकिन ये इमेज इसके अंदर में फॉर्म हो रही है. तो क्या हम कह सकते हैं दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस विल लुक लाइक अ रेक्टेंगल, एंड इट मीन्स ये दोनों डिस्टेंस ए बी के बराबर है. तो ए बी का जितना हाइट है उतना ही ये डिस्टेंस है, लेकिन इमेज अंदर है, इट मीन्स इमेज का हाइट कम है. तो आई विल से इमेज इज स्मॉल, सो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. सो इमेज इज डेफिनेटली स्मॉलर कंपेयर टू ऑब्जेक्ट. नाउ क्या ये इमेज रियल है कि ये इमेज वर्चुअल है? हम देख सकते हैं कि एक लाइट रे जो पोल से पास हो रही है, वो लाइट रे तो बिल्कुल इस पॉइंट पे जब मीट कर रही है तो एक्चुअल में लाइट रे मीट कर रही है एट ए डैश पॉइंट. बट अगर हम दूसरी लाइट रे को देखें, कौन सी, जो कि ए से पैरेलली इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जा रही है, तो वो इस लेंस को स्ट्राइक करने के बाद डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन उसको बैक ट्रैक करें तो वो हमें फोकस पे दिखाई देती है. तो ए डैश पे जो दो लाइट रेज हमें मिल रही हैं, उसमें से एक लाइट रे एक्चुअल में पास हो रही है और दूसरी लाइट रे को बैक ट्रैक किया जा रहा है. तो क्या ये इमेज रियल होगी, क्या ये इमेज वर्चुअल होगी? तो हम कहेंगे कि ये इमेज भी वर्चुअल ही होगी, बिकॉज अगर हमें एक रियल इमेज बनानी है तो दो लाइट रेज एक्चुअल में उस पोजिशन पे मीट करनी जरूरी है. लेकिन यहां पे एक लाइट रे अगर वर्चुअल है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि लाइट रेज मीट नहीं कर रही, वो सिर्फ अपीयर हो रहा है कि लाइट रे वहां से आ रही है. तो हम कहेंगे कि दिस इमेज इज अ वर्चुअल इमेज. ये इमेज कैसी है? ये इमेज एक वर्चुअल इमेज है, स्मॉल साइज की फॉर्म हो रही है और डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट से पहले फॉर्म हो रही है. अब आप ऑब्जेक्ट को, ये केस जिस तरह से हमने डिफाइन किया, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, इट मीन्स यहाँ पे कोई मैटर नहीं करेगा कि आप ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रख रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट को F1 पे रख रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट को F1 2F1 के बीच में रख रहे हैं, या आप ऑब्जेक्ट को पोल और F1 के बीच में रख रहे हैं, इट डजेंट मैटर. आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से पहले और पोल के आगे कहीं पे भी रख सकते हैं. आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ इमेज, एंड दिस इज अ वर्चुअल इमेज और छोटे साइज की है. अब क्योंकि इमेज वर्चुअल है तो एक कंडीशन और होती है, दैट इज इरेक्ट, मतलब वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट तो होती ही है. तो यहां पे हम देख सकते हैं कि दो केसेस बन रहे हैं, एक जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था और एक जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में था. सेम केस अगर आप याद करें तो रिफ्लेक्शन के केस में हमने किसके लिए डिफाइन किया था? हमने रिफ्लेक्शन के केस में इस तरह के दो केसेस डिफाइन किए थे कॉन्वेक्स लेंस के लिए. लेकिन यहां हम किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं? हम कॉनकेव लेंस के लिए डिफाइन कर रहे हैं. वहां पे हमने कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो केस डिफाइन किया था. तो अगर हम कंपेयर करें तो रिफ्लेक्शन के केस में जो केसेस कॉनकेव मिरर के लिए होते थे, वो केसेस रिफ्रैक्शन के केस में कॉन्वेक्स लेंस के लिए हैं, और जो केसेस रिफ्लेक्शन में कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के लिए होते थे, वो केसेस रिफ्रैक्शन में कॉनकेव लेंस के लिए हैं. कॉन्वेक्स का कॉनकेव हो गया और कॉनकेव का कॉन्वेक्स हो गया. रिफ्लेक्शन के केस में लेंस था, सॉरी मिरर था, और रिफ्रैक्शन के केस में वो चीज लेंस में कन्वर्ट हो गई. बाकी रे डायग्राम अगर आप देखें तो रे डायग्राम ऑलमोस्ट सेम है. ऐसा क्यों हो रहा है कि रे डायग्राम सेम है? बिकॉज अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे लेंसेज कौन से कंसिडर किए हैं? हमने स्फेरिकल लेंसेज कंसिडर की, और मिरर कौन से लिए थे? अगेन वो भी स्फेरिकल थे. तो जब दोनों की सरफेसेस स्फीयर थी तो लाइट रेज में जो डेविएशन हो रहा है, लाइट रेज में जो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज सेम होती हैं. दैट्स वाई ये केसेस हमें एक जैसे दिखते हैं. लेकिन सरफेसेस हमने एक जगह कॉनकेव लिया था, एक जगह कॉन्वेक्स लिया था,
तो सरफेस का इनवर्ड होना और आउटवर्ड होना, इस वजह से बस दोनों केसेस में डिफरेंस आता है। बाकी अगर कंपेयर किया जाए तो अगर आपको रिफ्रैक्शन याद करना है तो पूरा रिफ्रैक्शन याद करने की जरूरत नहीं, बेटर कि आप रिफ्लेक्शन याद करें और उससे इसको रिलेट कर लें, देन यू कैन इजीली रिमेंबर रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्लेक्शन एंड इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्रैक्शन। सो दीज आर द टू केसेस। तो हमने इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस और बाय अ कॉन्केव लेंस को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। ओके, सो यू कैन नोट दिस।